हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जो यूपीपीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग के सॉल्व करवा रही थी मैं, इसमें कि 2021 का जो पेपर था उसके 80 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा चुकी हूँ। 81 क्वेश्चन आज से आप लोग की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम ये पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे गए हैं। और इसके पहले भी जो एग्जाम्स हैं उसकी भी मैं वीडियोज लेकर के आऊँगी, जिससे कि आपकी कम्प्लीट प्रीवियस ईयर की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले तो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसमें 81 क्वेश्चन लेते हैं। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है, अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज सम सीमांत उपभोक्ता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समान अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी परिवर्तन पातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो उपभोक्ता की बचत है कंज्यूमर सरप्लस होती है वो किस नियम पर आधारित है, किस लॉ पर आधारित है, तो ये आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि उस पर बेच है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाइयाँ यूज करते जाते हैं वैसे वैसे उससे जो मिलने वाली बचत होती है, सॉरी जिससे मिलने वाली आपकी उपयोगिता होती है यूटिलिटी होती है वो घटती चली जाती है, ये उस नियम पर ही बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जैसे यहाँ पर भी उन्होंने समझाया है कि जब हम किसी वस्तु को अधिक खरीद करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि कीमत जो होती है उसका प्राइस जो है वो उतना ही है। जैसे कि 50 रुपीज़ पर के जी आपको जिस खरीद रहे हैं तो उतनी ही रहेगी, लेकिन क्या सिंपल से समझ लीजिए, एक आइसक्रीम आप ले रहे हैं, अगर वो आइसक्रीम 50 रुपए की है तो 50 रुपए की ही रहेगी, आपने एक खाई फिर दो खाई उसके बाद क्या धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी घटती जाएगी, आपको उससे जो संतुष्टि मिल रही थी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, लेकिन उसकी मूल्य तो 50 रुपीज़ ही रहेगा। तो हमारे द्वारा खरीदे गए सामान की सभी इकाइयों के लिए हमें अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, तो जब तक आपको अतिरिक्त उपयोगिता मिलती जाएगी आप उसको लेते जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उपयोगिता घटने लगती है। तो हम तभी तक उनको प्रोडक्ट को खरीदेंगे जब तक हमें अतिरिक्त हमें उससे जो भी उपयोगिता है वो मिलती रहेगी। तो एक आंसर है ऑप्शन सी, ये इसी पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आकस्मिक आय में सम्मिलित नहीं है द टर्म कैजुअल इनकम डजंट इंक्लूड लॉटरी से जीती हुई राशि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जुए में जीती हुई राशि विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, अंशों के विक्रय पर पूंजी लाभ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, सड़क पर पड़ा धन मिलना, रिसीव ऑफ मनी लाइंग ऑन बोर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कैजुअल इनकम होती है उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसमें से क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आकस्मिक आय में कौन सा सम्मिलित नहीं होता, यानी कि कैजुअल इनकम जो उसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसमें आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज भी आती है, या फिर जो गैम्बलिंग से विनिंग की है वो भी आएगी, या फिर जो अगर अचानक से कोई धन जो है कोई मनी जो है वो आपको रोड पर पड़ी हुई मिल जाती तो वो भी आएगी, लेकिन अंशों के विक्रय पर पूंजी लाभ यानी कि जो कैपिटल गेन सेल होगा शेयर्स को सेल करके वो आपकी आकस्मिक आय नहीं मानी जाती। बाकी की इनकी क्या नेचर रहता है, जो ये आकस्मिक आय होती है कैजुअल इनकम रेगुलर नहीं होती, कभी आपको इनकम भी हो सकती है लॉस भी हो सकता है, ये स्नायु की लॉटरी में जरूरी नहीं है कि आप जीते हैं हार भी तो सकते हैं, सेम ऐसे ही गैम्बलिंग में भी रहता है, और सड़क का प्रावधान जरूरी थोड़ी ना कि आप जब भी निकलेंगे आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर और जो सेल है जो शेयर्स हैं उनको सेल तो आप तभी करेंगे ना जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ये देखकर सेल करेंगे, तो ये तीनों क्या है आकस्मिक है, कि अंशों के विक्रय पर पूंजी लाभ आकस्मिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद वास्तविक निष्पादन के मापन से, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस मानकों के निर्धारण से, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स कार्यों के अभी हस्तांकन से, असाइनिंग द टास्क लक्ष्यों को निर्धारित करने से, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग जो होती है यानी जो नियंत्रण किया जाता है कंट्रोल किया जाता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो किससे मेनली आपका रिलेटेड होगा, वास्तविक निष्पादन के मापन से, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिए क्या होता है कंट्रोल करना, आपने कोई योजना बनाई नियोजन किया आपने, वैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ जैसे कि मैनेजमेंट के काम होते हैं, तो आपने डायरेक्टिंग करी कोऑर्डिनेशन किया सारे कार्य हुए उसी के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये देखा जाता है कि जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी उसमें क्या क्या वेरिएशन होते हैं विचरण क्या है, उसके के अकॉर्डिंग आगे फिर नियंत्रण कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोसेस होती है कंट्रोलिंग की वो वास्तविक निष्पादन से एक्चुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अधिकार अंश का आशय है वे अंश जो राइट शेयर्स मीन्स गो शेयर्स विचार निदेशकों को निर्गत किए गए हों, इशू टू डायरेक्टर्स वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए हों, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर्तमान ऋणपत्रधारियों को प्रस्तावित किए गए हों, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लेनदारों को निर्गत किए गए हों, यानी कि इशू टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो राइट शेयर्स होते हैं वो किस तरह के शेयर्स होते हैं या उनका क्या मतलब होता है? तो राइट शेयर्स जो होते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी के पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं उनको ही पहले निर्गत किए जाते हैं, उनको ही ऑफर किया जाता है कि आप इन शेयर्स को लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अगर इनके जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं लेते हैं तो आगे देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले जो पहले से ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही ऑफर किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और किस तरह से होते हैं कि जो शेयरों के मूल निगम के बाद जारी किए जाते हैं, इस तरह के भी शेयर्स होते हैं जिस तरह के आप अधिकार अंश जो होते हैं आप पहले इशू कर चुके हैं उसी तरह के ही शेयर्स ही इशू कर सकते हैं, वही राइट शेयर्स हैं। और स्पेशली मौजूदा शेयर धारकों को उनकी होल्डिंग के अनुपात में, यानी कि जितना उनके पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स शेयर्स हैं उसका जो रेशियो होगा उसी के अनुपात में ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, इसको शॉर्ट में ACGC भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है ACGC क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन है। अब जो क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो निर्यातक होते हैं वो पैकिंग क्रेडिट की सुविधा, यानी कि जो पैकेजिंग, क्योंकि जब एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है कोई भी सामान तो वहाँ पर अच्छी पैकेजिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके जो है जल मार्ग के थ्रू, यानी कि जो है जो जहाज़ों पर उसके थ्रू भेजा जा सकता है सामान, या बाई एयर भी जा सकता है। वैसे मोस्टली जो सामान जो निर्यात होते हैं एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पर बेचा जो जाता है, एक जगह दूसरी जगह पर भेजा जो जा रहा होता है सामान अंतर्राष्ट्रीय, जब भी हम उसकी बात करें व्यापार की, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो जहाज़ों के माध्यम से भेजा जाता है, तो उसकी पैकिंग बहुत अच्छे से की जाती है जिससे कि रास्ते में सामान जो है वो ना जहाज पर ख़राब हो ना ही किसी तरह का उसमें कोई भी नुकसान पहुंचे। तो यहाँ पर पैकिंग का भी क्रेडिट जो होता है वो मतलब पैकिंग को भी उधार पर उसके लिए वो कराया जाता है, सुविधा मिलती है कि अच्छे से पैकिंग की जा सके। तो किसके द्वारा होता है, तो वो आपके व्यापारिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो ये सुविधा देते हैं। एक चांसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला भी था, क्योंकि बहुत से बच्चों को लग रहा था कि जो निर्यात स्टॉक एंड गारंटी निगम है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, ना कि ACGC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्तिगत आय 62,000 है, अवतरित लाभ 400 है, निगम कर 1,000 है तथा अंतरण भुगतान 2,000 है, तो राष्ट्रीय आय होगी। इफ पर्सनल इनकम इज रुपीज 62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज रुपीज 400, कॉर्पोरेट टैक्स इज रुपीज 1,000 एंड ट्रांसफर पेमेंट इज रुपीज 2,000, देन नेशनल इनकम विल बी। यहाँ पर आपको नेशनल इनकम निकालनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो गए थे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्योंकि मोस्टली जो होता है नेशनल इनकम की हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, या इसके अलावा जो आपकी GDP है, GNP है, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो राष्ट्रीय आय पूछी गई है डायरेक्टली, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लीजिए कि जो व्यक्तिगत आय है उसमें प्लस करना अविभाजित लाभ कॉर्पोरेट कर और माइनस कर देंगे स्थानांतरण भुगतान। यहाँ पर 62,000, 1,000 प्लस 400 और जो ट्रांसफर पेमेंट है 2,000 को लेस हो जाएगा 61,400। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मेन फार्मूला था कि आपको पता होना चाहिए क्या ऐड होता है क्या लेस होता है, उसी के बेसिस पे आप नेशनल इनकम निकाल लेंगे। कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रबंध का अंतिम कार्य है, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, निर्देशन डायरेक्टिंग नियंत्रण कंट्रोलिंग हो जाएगा, संगठन ऑर्गेनाइजिंग नियोजन प्लानिंग, कि जो प्रबंध होता है उसका अंतिम, ध्यान दीजिएगा लास्ट फंक्शन पूछा है, सिर्फ फंक्शन नहीं पूछा, क्योंकि फंक्शन तो ये चारों ही हैं जो मैनेजमेंट करता है, और फर्स्ट जो है मेनली जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो तो नियोजन हो जाता है, प्लानिंग हो जाता है, लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग,
जब सारी चीज़ें कर लेता है, प्लानिंग कर लेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा, डायरेक्ट कर लेगा, और भी बहुत से काम होते हैं वो सब कर लेगा, कम्युनिकेट करना, तो फिर उसके बाद वो कंट्रोलिंग का काम करता है। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस में ही क्वेश्चन सॉल्व किया कि जो नियंत्रण होता है, जो नियंत्रण प्रोसेस होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम ये देख सकें कि जो आई है वो सही है या नहीं है, और कितना उसको कंट्रोल करना है जिससे कि और परफॉर्मेंस बढ़ सके। सेम वही चीज़ होती है कि जो लास्ट का काम होता है, लास्ट फंक्शन होता है, वो कंट्रोलिंग होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर आपने OMR भर नहीं दिए, फिल नहीं करी है, और भी पेपर पर ही आप सॉल्व कर रहे हैं अपने, तो दूसरा क्वेश्चन देख करके कई बार आंसर करेक्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पर कन्फ्यूज हो गए हैं। तो डायरेक्ट OMR शीट फिल मत किया करिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद फिल किया करिए, क्योंकि एक बार फिल करने के बाद आप उसे हटा नहीं सकते। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्कंद आवर्त अनुपात है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज, क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो, तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो स्कंद आवर्त यानी को कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जो कोई कंपनी है जहाँ पर स्कंद जो है, जो इन्वेंट्री होती है, वो कितनी बार एक सर्टेन टाइमिंग में, एक लिमिटेड टाइमिंग में कितनी बार वो बार बार चेंज हो रही है। क्योंकि तो जितना ज़्यादा वो चेंज हो रही है इसका मतलब यही है कि आप प्रोडक्शन भी उतना ही अच्छा होती तेज़ से हो रहा है। स्टॉक में रहने का मतलब ये हो जाएगा कि वेयर हाउस में अगर आपके पास इन्वेंट्री इतनी पड़ी हुई है, इसका मतलब वो उतनी कंज्यूम नहीं हो पा रही है। तो जितना ज़्यादा कंज्यूम हो रही है मतलब क्या है, बार बार चेंज हो रही है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो अनुपात ये किस तरह का होता है? ये क्रियाशीलता, ये एक्टिविटी को बताता है। जैसे कि अभी मैंने समझाया आपको कि कितनी बार चेंज हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो कितना एक्टिव है बिजनेस जो है, या वहाँ पर जो परिचालन क्रियाएं हैं वो कितनी एक्टिव हैं, यहाँ पर वो एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए डिटेल में क्या कह रहा है कि एक ऐसा अनुपात है, ये एक गतिविधि अनुपात है, और ये उस दर को इंगित करता है जिस पर एक कंपनी किसी विशेष अवधि के दौरान अपने माल के स्टॉक को बेचती है और बदलती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात फार्मूला समान अवधि के लिए औसत इन्वेंट्री से विभाजित किया जाता है, बेची गई उसने इस प्रकार जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होता है निकाल लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन नागरिकता पर, सिटीजनशिप, एज पर, रेजिडेंशियल स्टेटस पर, जेंडर पर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें जो कर लगाया जाता है वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है। तो जैसे कि अभी इसी के ही उससे पहले के पार्ट आए उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व भी करवाए थे, जहाँ पर मैं भी निकाला था कि असाधारण निवासी है अगर तो कौन सी इनकम जोड़ी जाएगी, कौन सी नहीं जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पर किसके पर बेस्ड होता है? तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उस गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में आप इंडिया के सिटीजन रहे हो, नागरिकता के आधार पर नहीं, उसकी निवासी स्थिति के आधार पर, रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। बस जो आपकी आधार शर्तें और शर्तें वो पूरी होनी चाहिए, अगर वो पूरी होती हैं तो उसके बेसिस पर ही निकाला जाता है कि किस तरह का वो रेजिडेंट है। तीन तरह के होते हैं आपके, साधारण निवासी, असाधारण और अनिवासी, तीन तरह के होते हैं। उसमें से कैसा निवासी है उसी के बेसिस पे उसकी इनकम ऐड की जाती है, उसके बाद उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस बेस्ड होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का सिटीजन हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी गत वर्ष में भारत में रहकर आय कमा रहा है, आधार शर्तें आधारभूत शर्तों के अकॉर्डिंग वो जिस तरह का भी निवासी होगा उसी के बेसिस पे उसे टैक्स देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देनदार 40,000 के हैं, प्राप्य पत्र 20,000, उधार विक्रय 2,50,000, विक्रय वापसी 10,000, देय पत्र 10,000, औसत वसूली अवधि होगी। यहाँ पर आपको बताया है कि डेटा है 40,000 के, बिल्स रिसेबल है 20,000 के, क्रेडिट सेल है 2,50,000, सेल्स रिटर्न है 10,000, बिल्स रिसेबल है 10,000। आपको क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है कि कितना होगा, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका फॉर्मूला है उसके बेसिस पर इसे निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला नोट करते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड का। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला मेनली होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसे, इसका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज डेटर की, जो डेटर्स आपके अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे होंगे तो वहाँ पर
उसमें हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके आप 0.2 कर देंगे तो आपके एवरेज रिटर्न्स निकल आते हैं। या फिर रिसीवेबल्स, आपके क्वेश्चन में अगर रिसीवेबल्स दे रखे हैं, बस रिसीवेबल जो होते हैं उसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों तरह के होते हैं, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में अगर दोनों दे रखे हैं तो भी वहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज उनका। अगर दोनों नहीं, सिर्फ एक ही दे रखा है तो आपको वहाँ पर सिंपल सा डायरेक्ट उसको ही नोट कर लेना है। तो यहाँ पर रिसीवेबल्स हो गया, उसके बाद अपॉन में क्या आ जाता है, अपॉन में आता है नेट क्रेडिट सेल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नेट क्रेडिट सेल दे रखा है तो वहाँ पर आपको जितनी भी उधार बिक्री हुई है सिर्फ उसको ही लेना है, और नेट है तो वहाँ पर अगर सेल्स रिटर्न दे रखे हैं तो उसको हम लेस कर देंगे। उसके बाद इनटू में क्या हो जाता है, अगर वर्ष में निकालना है तो 365 हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में आपके दे रखा है कि आपको मंथ में निकालना है, महीनों में, वो आंसर देख लीजिएगा कि मंथ में दे रखा है या दिनों में दे रखा है। तो अगर मंथ में दे रखा है तो यहाँ पर इनटू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हमारे जो भी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हम देख लेते हैं। स्टेटस दे रखे हैं 40,000 की ओपनिंग क्लोजिंग, कुछ नहीं बताया है तो पूरा ले लीजिए 40,000। यहाँ पर प्लस क्या है, रिसीवेबल्स भी दे रखे हैं प्राप्य पत्र, कितने के 20,000 के, उसको भी लिख लीजिए। अपॉन में नेट क्रेडिट सेल हमको लिखना है, क्रेडिट सेल जो है आपकी कितनी दे रखी है उधार विक्रय, अगर आपका टोटल विक्रय दे रखा होता टोटल सेल दे रखी होती और बताता कि 60% या 40% वहाँ पर कैश सेल है तो बाकी की 60% आपकी क्रेडिट सेल हो जाती तो निकालना होता। यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है कि 250,000 की क्या है उधार विक्रय, तो उसको हम वैसे ही नोट कर लेंगे 250,000 का। अब यहाँ पर एक चीज और कही है, 10,000 की सेल्स रिटर्न है उसको हम लिस्ट कर देंगे तभी हमारी नेट क्रेडिट सेल निकल के आएगी। अब इनटू, क्योंकि आपका आंसर मंथ में दे रखा है तो यहाँ पर इनटू 12 कर लेंगे। अब इसे हम और सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अपॉन में हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 240,000 आ जाएगा, उसके बाद इनटू 12 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 0 से 0 चले जाएंगे, उसके बाद 6 से करिएगा तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा, उसके बाद इसको से सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3 मंथ्स आ जाएंगे आपके। और अगर ये डेज में होता तो यहाँ पर आप इसको 365 लिखते उसके बाद सॉल्व करते तो यहाँ पर आंसर आता 3 डेज में। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से पूछा है। कभी कभी एक चीज़ और होती है, यहाँ पर 65 की जगह 66 कहता है कि दिनों की संख्या को आप 366 मानिए तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 मंथ हो जाएगा, 3 महीने हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 3 मंथ। आपने देखा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या लेस करना है, जब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा बहुत आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेनदारों से संग्रहण कलेक्शन फॉर्म रिटर्न्स, चालू अनुपात घटाता है इंक्रीज करंट रेशियो, चालू अनुपात बढ़ाता है इंक्रीज करंट रेशियो, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं डालता हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात में सुधार करता है इम्प्रूव्स द सॉल्वेंसी रेशियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलेक्शन फॉर्म डेटर्स यानी जो डेटर्स होते हैं उनमें उनका कलेक्शन हो जाना। अब डेटर्स क्या है, डेटर्स आपके वो हो जाते हैं वो व्यक्ति जिन्होंने उधार कोई भी आपसे गुड्स परचेस किए हैं और जिसका अमाउंट आपको नहीं दिया है वो डेटर्स कहलाते हैं। और ये हैं क्या, तो डेटर्स जो होते हैं वो करेंट एसेट में आ जाते हैं। अगर यहाँ पर डेटर्स जो हैं, सपोज कर लीजिए ये डेटर है करेंट एसेट में है आपके और इसको 10,000 रुपये के डेटर्स हैं, तो अगर ये 10,000 रुपये पे कर देते हैं, चुका देते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, ये 10,000 किस में चला जाएगा, ये कैश आ जाएगी, इतनी ही कैश आ जाएगी। और कैश क्या है, कैश भी करेंट एसेट है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ से 10,000 कम हो गए डेटर्स में और इधर कैश में 10,000 आ गए, तो यहाँ पर जो ओवरऑल करेंट एसेट है वो तो सेम ही रहेगी ना, कोई चेंजेस होंगे ही नहीं। तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं होंगे तो आपके चालू अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर करेंट रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। जब ये दोनों में कोई इफेक्ट आएगा अलग अलग तो यहाँ पर ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। अगर सिर्फ करेंट एसेट में डेटर्स यहाँ से घट करके कैश बढ़ जाता है तो भी यहाँ पर आपका टोटल सेम ही रहना है, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा चालू अनुपात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू सामान्य संचय खाते में, जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डिबेंचर अकाउंट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात यानी कि जो डिबेंचर्स हैं उनका रिडेम्पशन कर दिया गया। अब जो रिडेम्पशन का जो फंड बना था, सिंकिंग फंड बना था, उसमें जो बैलेंस बचा है उस शेष को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यानी कि सिंकिंग फंड बनाया गया था डिबेंचर्स को रिडेम्पशन करने के लिए, रिडीम करने के लिए, अब वो उसको कर दिया है लेकिन उसके बाद भी सिंकिंग फंड में कुछ अमाउंट रिमेनिंग बच रहा है, बैलेंस है, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो उसे ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों किया जाता है जनरल रिजर्व में, अब क्वेश्चन क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्यूचर अकाउंट होता है उसका तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इसका क्यों नहीं करेंगे, तो इसका इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये बनाया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इससे ही ट्रांसफर करके बनाया जाता है सिंकिंग फंड, इस वजह से इसका जो क्योंकि इसमें जो भी अमाउंट डाला जा रहा है वो आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है, जो भी वो है रेवेन्यू नेचर की होती है, इसमें जो राशि ट्रांसफर की जाती है इसलिए उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना कि कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में वही चीज़ें ट्रांसफर की जाएंगी जो कि कैपिटल नेचर की होंगी, पूंजीगत संपत्ति से पूंजीगत आय होंगी, वही आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की जाएंगी, तो इसलिए कई आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लागत रेखांकन विधि है, द कॉस्ट अकाउंटिंग मैथड टू कम्प्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज। प्रवधि लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि, कंट्रोल कॉस्टिंग, संप्रूप लागत विधि, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इकाई लागत विधि, यूनिट कॉस्टिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लागत की विधि जो है कौन सी यूज की जाती है, तो उसे यूनिट कॉस्टिंग कहा जाता है, इकाई लागत विधि, क्योंकि यहाँ पर ये बताया है कि कोई एक उत्पाद है, एक तरह की समान इकाइयाँ जो उत्पादित हो रही होती है एक जैसी, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप उत्पादित कर रहे हैं तो वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। जो प्रोसेस कॉस्टिंग है आपको पता है कई प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, जैसे कि चीनी बनना है तो कई प्रोसेस होती है, ABC, या फिर तेल है उसकी रिफाइनिंग में भी कई प्रोसेस होती हैं। ठेका लागत, कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसी जगह पर जाकर के उस स्थल पर जाकर के काम किया जाता है, जैसे कि पुल निर्माण का काम होता है, सड़क निर्माण का काम होता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सकल लाभ अनुपात की गणना की जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाई, यानी कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल इंटू 100। तो बहुत ही सिंपल सा ईजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका निकालने का क्या फार्मूला होता है, क्या कैसे इसको निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल से फार्मूलाज भी दिए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या है इसका सही फार्मूला। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा किया जाता है, गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज, नकद विक्रय के रूप में कैश सेल, उधार विक्रय के रूप में क्रेडिट सेल, अंतिम रहते के रूप में क्लोजिंग स्टॉक, देनदार के रूप में डेटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ग्राहक है उसको अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर कुछ माल बेचा गया है तो उसका लेखा किस तरह से किया जाएगा, तो कोई भी अगर सेल ऑन अप्रूवल है तो उसका लेखा जो करते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक कितना करते हैं, अंतिम रहते कितना करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुमोदन पर भेजा गया माल वास्तविक बिक्री नहीं होता, यानी कि एक्चुअल में उसे सेल नहीं माना जाता क्योंकि ये नहीं क्लियर होता है कि व्यक्ति सामनाला रखेगा या नहीं रखेगा, तो वहाँ पर उसे सेल नहीं माना जाता, इसलिए उसे क्लोजिंग स्टॉक के साथ ट्रीट किया जाता है, उसे हम बिक्री के रूप में दर्ज नहीं करते। और जब वास्तविक बिक्री की पुष्टि हो जाती है उसके बाद केवल क्रेडिट बिक्री के रूप में माना जाता है, यानी कि क्योंकि उसका अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है जितने का सेल किया था आपने, इसलिए उसे हम क्रेडिट सेल मानते हैं ना कि कंप्लीट सेल, कैश सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है, द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, सम्मेलन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फर्म के निर्माण का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साझेदारों के मध्य जो लिखित अनुबंध होता है कि एक उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है रिटर्न में, वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि बात पार्टनरशिप की जा रही है तो आपस सम्मेलन इनकॉर्पोरेशन की कोई मतलब नहीं है, ना ही पार्षद सीमा नियम का ही, ना ही आपका ये सर्टिफिकेट मेन हो जाता है पार्टनरशिप डी। साझेदारी संलेख होता है वो तैयार किया जाता है, उसमें शर्तें लिखी होती हैं जनरली कि क्या क्या शर्तें होती हैं उस साझेदारी से रिलेटेड,
कितने में हो जाए अपना लाभानी बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा, कोई पार्टनर अगर नया एंटर करता है तो क्या होगा, किस तरह से बांटा जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। कई तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पर कुशलता वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, पहल इनिशिएटिव, परिवर्तित हो रही तकनीकी का अनुकूलन, अडॉप्शन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, अगर इन सिद्धांतों के अनुसार काम किया जाता है तो उससे जो एफिशिएंसी है काम करने की वो इम्प्रूव होती है। कई का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास लेखांकन के लिए किस लेखांकन माप का प्रयोग किया जाता है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, AS2, AS5, AS6, AS13। बहुत ही सिंपल इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा यूज होता है, जो AS6 है अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो आपका हिरास के लिए डिप्रिसिएशन के लिए यूज किया जाता है, या डिप्रिसिएशन के बारे में उसमें बताया गया है। यहाँ पर कितना से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के लिए निविदा है, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन, लाभ का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अनुमान लागत का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, विक्रय मूल्य का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कार्य का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ वर्क। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर होता है वो क्या है, वो हो जाता है आपका लागत का अनुमान एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे आप गलती कर जाते हैं इसमें, विक्रय का अनुमान पे टिक कर देते हैं, लेकिन वो विक्रय का नहीं आपके लागत का अनुमान होता है कि कितनी लागतें आएंगी। तो ऐसे आप तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि कितनी जो है किसी भी चीज़ को बनाने की कॉस्ट आ रही है, उसमें लाभ भी जोड़ा जाता है, सेलिंग प्राइस तक पहुंचते हैं, लेकिन निविदा जो होती है, टेंडर जो भरा जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि लागत क्या है, कितनी लागतें आएंगी, और जिसकी सबसे कम होती है कॉस्ट उसको ही टेंडर दिया जाता है। तो यहाँ पर कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसके 25 क्वेश्चन और रिमेन है, वो 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी नेक्स्ट का पार्ट जो आएगा उसमें रहेंगे, और ये 2021 का पूरा पेपर कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसके बाद जो इसके प्रीवियस में पेपर हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे, तो सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करवाए हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको बर्डन भी ना बने और सारे प्रीवियस आपके कंप्लीट हो जाएं, जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।